27 अक्टूबर को आरा सदर प्रखंड प्रमुख जय कुमार देवी व उप प्रमुख भागीरथ यादव पर लगे अविश्वास को लेकर चर्चा व मतदान होना था, जिसको लेकर अब सस्पेंस बरकरार है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रखंड प्रमुख जय कुमारी देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए अगले आदेश तक अविश्वास प्रस्ताव को स्थगित करने का निर्देश दिया गया है। जहां सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कार्यपालक पदाधिकारी सह वीडियो के द्वारा प्रखंड प्रमुख जय कुमारी देवी व उप प्रमुख भागीरथ यादव पर अविश्वास को लेकर 27 अक्टूबर को होने वाली बैठक को अभी तक रद्द नहीं किया गया है। इस मामले में विधिक परामर्श लेने की बात सामने आ रही है, साथ ही जिलाधिकारी के पास मार्गदर्शन हेतु पत्र भेजने की बात भी सामने आ रही है। बता दें कि दिसंबर 2023 में प्रमुख व उप प्रमुख पर पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिस पर चर्चा व मतदान के लिए जनवरी 2024 में बैठक रखी गई थी, जिसमें सदर प्रखंड का एक भी पंचायत समिति सदस्य उस चर्चा व मतदान में शामिल नहीं हुआ था। इसके बाद पुनः 26 सितंबर को दोबारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिस पर चर्चा के लिए पंचायत समिति सदस्यों ने एक आपात बैठक 4 अक्टूबर को बुलाई और 15 अक्टूबर की तिथि को निर्धारित कर दिया। लेकिन उच्च न्यायालय ने इस मामले में आदेश जारी करते हुए कहा कि दिसंबर 2023 में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा व मतदान में एक भी सदस्यों के शामिल नहीं होने को लेकर पहले अविश्वास पर ही सुनवाई करते हुए 27 अक्टूबर को चर्चा व मतदान के लिए तिथि का निर्धारण किया। इसके बाद सदर प्रखंड की प्रमुख जय कुमारी देवी ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने प्रखंड प्रमुख की याचिका पर सुनवाई करते हुए अगले आदेश तक अविश्वास प्रस्ताव को स्थगित रखने का निर्देश दिया है। अब 27 अक्टूबर को होने वाले अविश्वास को लेकर चर्चा व मतदान के लिए आयोजित बैठक को लेकर पंचायत समिति सदस्यों से लेकर प्रखंड कार्यालय के कर्मचारियों में संशय बना हुआ है। में अविश्वास प्रस्ताव आपके और प्रमुख दोनों पर लगा था, उसको लेकर आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, क्या है ज्ञापन इसमें, क्या किस लिए आप लोगों ने दिया है आज? देखिए, ये जो हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, आज लेटर भी हम लोग रिसीव कराए हैं, तो सरकार के नियम द्वारा तो 5 साल में एक बार ही अविश्वास प्रस्ताव लगाया जाता है। तो पंचायत समिति के सदस्यों ने 28 दिसंबर 2023 को अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया था। उस समय हम लोग की सरकार निर्विरोध बन चुकी थी, कुछ गलती की वजह से विपक्षी ने हमारे पर केस किया, हाई कोर्ट का आदेश के अनुसार वो लोग दोबारा अविश्वास प्रस्ताव डाले। हम लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट होता है उन पर केस किया। सुप्रीम कोर्ट आदेश का आदेश आया है कि जब तक मेरे आदेश आने तक कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाए, इसलिए हमने आज लेटर रिसीव कराया है। तो आज जो अविश्वास पर फिर से आप लोगों ने जो दिया है, तो आगे क्या कुछ तारीख वगैरह तय होगा या कुछ? इसमें कोई तारीख नहीं दिया गया हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि मेरे आदेश आने तक कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लगाया जाए। यानी ये जो अविश्वास प्रस्ताव लगाया है जबरदस्ती लगाया गया है या? ये तो जबरदस्ती ही हुआ ना, ये तो जबरदस्ती हुआ कि एक बार अविश्वास लगाया गया और जो लगाते हैं वही नहीं आते हैं, इसमें गलती किसका है? या अगला बार भी जो लगा था तो जिन्होंने लगाया मेरे ऊपर अविश्वास प्रस्ताव वो लोग खुद नहीं आए, इसमें मेरी क्या गलती है? या वो लगाए हम नहीं आएंगे, उन लोगों को आना चाहिए था, वो लोग खुद नहीं आए। अब सरकार का एक तो लेटर लेकर लोग घूम रहे हैं कि वोटिंग नहीं हुआ, तो तुम लोग वोटिंग करने काहे नहीं आए? आपको आना चाहिए था ना। तो कोई कहता है कि हमको डेटे पता नहीं था, कोई कहता किस दिन अविश्वास लगा हमको कुछ पता नहीं है। भाई सबको लेटर रिसीव कराया गया हुआ था पंचायत सचिव के द्वारा, जो लोग नहीं थे उनके दीवारों पर चिपकाया गया था, उनको सारे सबका फोटो कॉपी है, उसके बाद भी वो लोग दोबारा अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। हम वो हमारे मैडम प्रमुख जय कुमारी देवी के यहाँ जाकर पहले लेटर दिए, तो नियम है कि 15 दिन तक प्रखंड प्रमुख अपने पास लेटर रख सकती हैं, उसके बावजूद भी वो लोग 10 रोज तक नहीं रुके और एक आपातकालीन बैठक करके वीडियो साहब को लेटर दे दिए। उसके बाद वो लोग डेट भी ले लिए, फिर कोर्ट में गया, कोर्ट का आदेश आया कि 27 तारीख तक कर सकते हैं, ये नहीं कि आप 27 तारीख को कर दीजिए, ये लोग फिर दोबारा डेट ले लिया। ये
मामला गया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मेरे आदेश आने तक कोई चुनाव नहीं होगा, कोई अविश्वास नहीं लग सकता। ठीक, पर्चा अपना दे दीजिए। मैं भागीरथ यादव, उप प्रमुख आरएसएस। प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख पर 27 अक्टूबर को अविश्वास के लिए तिथि का निर्धारण किया गया था हाई कोर्ट के द्वारा। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में एक नया आदेश जारी किया है, क्या वो आदेश बताइए। देखिए, विगत कुछ माह पहले 2023 में हमको जहां तक जानकारी था, ये तो पंचायती राज अधिनियम है, उस नियम के तहत आरा सदर प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख पर अविश्वास प्रस्ताव आया था। उस अविश्वास प्रस्ताव को ये लोग जीतने का काम किए थे। इसके बावजूद जो इनके विपक्षी लोग हैं, विरोधी दल के लोग, उन्होंने पुनः हाई कोर्ट का शरण लेते हुए वहां से एक लेटर जारी करा दिया और उस लेटर के बिहेव में यहां प्रखंड विकास पदाधिकारी की मिलीभगत से पुनः अविश्वास प्रस्ताव का लेटर प्रमुख के यहां सुपुर्द करने का प्रयास किया, मगर बिना जानकारी के प्रमुख को यहां लेटर सर्कुलेट कर दिया गया। ये लोग सत्ताधारी दल प्रमुख और उप प्रमुख ने उसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की और सर्वोच्च न्यायालय का जो गाइडलाइन आया कि जब तक सर्वोच्च न्यायालय से आदेश निर्गत नहीं होता है तब तक वहां प्रमुख और उप प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान नहीं होगा, यथावत प्रमुख और उप प्रमुख बने रहेंगे आरा सदर प्रखंड मुख्यालय में। इसे तो कितना निर्देश अविश्वास प्रस्ताव जिस तरीके से आया उसे कितना खामियाजा भुगतने का पंचायत। अविश्वास प्रस्ताव, एक तो ये आरा सदर प्रखंड है जिसमें 19 पंचायत है, हमको लगता है कि 15-16 पंचायत बाढ़ की चपेट में झेल रहा है, उन लोगों को मुआवजा किसानों को नहीं मिल रहा है, हर तरह के विकास बाधित है। और ये जब जन प्रतिनिधि अपने में 6-6 माह पर 3-3 माह पर अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे तो फिर विकास तो बाधित होगा। इसलिए मैं सभी प्रतिनिधि से ये आग्रह करता हूँ कि सभी लोग मिलजुल करके एक आरा सदर प्रखंड के विकास के लिए कंधे से कंधे मिलाकर चले और जब मेरा आरा बेहतर होगा तब भोजपुर बेहतर होगा। आरा प्रखंड मुख्यालय जो है ये निश्चित रूप से नगर निगम एरिया में स्थापित है, इसके देख करके इसके जो विकास होगा क्षेत्र में, इसके निशानदेही पर गांव गवई में विकास होगा, अदर प्रखंडों में विकास होगा। इसलिए आपसी सहमति बना करके सभी लोग को मिलजुल करके आरा का विकास करना सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि होगा आरा वासियों के लिए। ये मैं पक्ष और विपक्ष को निश्चित रूप से ये संदेश देना चाहता हूँ, अपने तरफ से, किसी पार्टी और विरोधी दल के नाते नहीं, एक अच्छे आरा वासियों के इंसानियत के नाते कि आरा का विकास हो, तभी गांव गवई में इसका रोशनी प्रकाशित होगा।